तो क्या सच में शाहरुख खान एक फ्लॉप एक्टर है? क्योंकि बहुत सारा एलिगेशन लग रहा है कि शाहरुख खान अब एक फ्लॉप एक्टर बन चुके हैं और उनका मूवी उतना प्रॉफिट नहीं दे रहे जितना कि पहले देते थे। और जिस हिसाब से अभी पठान ने कमाया है उस हिसाब से उनपे एलिगेशन ये लग रहा है कि जो पठान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो फेक है, उतना उसको नहीं कमाना चाहिए। तो चलो 2015 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी शाहरुख खान के मूवी आए हैं वो सारे ही मूवी का बजट देख लेते हैं और कितना कमाया है वर्ल्ड वाइड और इंडिया के अंदर वो देख लेते हैं, जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कितने मूवी हिट हुआ था और कितने मूवी फ्लॉप हुआ था, और उस हिसाब से हम ये भी पता कर पाएंगे कि शाहरुख खान एक हिट एक्टर है या फ्लॉप एक्टर है। तो 18 दिसंबर 2015 को इनका एक मूवी आता है, मूवी का नाम होता है दिलवाले, जिसका बजट होता है 75 करोड़ और ये इंडिया के अंदर कमाता है 148.72 करोड़, यानी कि बहुत ही अच्छा खासा कमाई करते हैं ये इंडिया के अंदर। और उसी के बाद वर्ल्ड वाइड यदि हम बात करें तो 376.85 करोड़ ये कमाते हैं पूरे दुनिया के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मूवी है वो सेमी हिट मूवी है, तो ये कह सकते हैं ये मूवी हिट गया था। लेकिन उसी के बाद 16 अप्रैल 2016 को इनका एक और मूवी आता है, मूवी का नाम होता है फैन, और फैन मूवी का जो बजट होता है वो होता है 85 करोड़, और 85 करोड़ लगाने के बाद ये इंडिया के अंदर कमाता है 84.10 करोड़ और पूरा दुनिया के अंदर कमाते हैं 182.33 करोड़, यानी कि ये जो मूवी है एक टोटली फ्लॉप मूवी है, क्योंकि इंडिया के अंदर जितना इनका बजट लगा था उतना भी नहीं कमाई कर पाते हैं, तो ये मूवी एक टोटली फ्लॉप मूवी जाता है इनका। तो एक हिट एक फ्लॉप हो चुका है। उसी के बाद 25 नवंबर 2016 को इनका एक और मूवी आता है जिसका नाम होता है डियर जिंदगी। अब इस मूवी का बजट था 46 करोड़ और ये मूवी ने कमाया था इंडिया के अंदर 68.16 करोड़ और पूरा वर्ल्ड वाइड इसने कमाया था 135.47 करोड़, यानी कि ये मूवी भी एक हिट मूवी है, अच्छा खासा कमाई करके दिया था और इंडिया के अंदर अच्छा खासा कमा लिया था। उसी के बाद 25 जनवरी 2017 को इनका एक और मूवी आता है जिसका नाम होता है रईस, और इसका बजट होता है 91 करोड़ रुपया, और 91 करोड़ रुपया लगाने के बाद ये इंडिया के अंदर कमाता है 137.51 करोड़ और उसी के बाद वर्ल्ड वाइड ये कमाता है 281.44 करोड़, यानी कि ये मूवी भी एक सेमी हिट मूवी है और इस मूवी ने भी अच्छा खासा कमाई करके दिया था शाहरुख खान को। लेकिन इसी के बाद जो मूवी आता है 2017 4 अगस्त को इसका एक और मूवी आता है, मूवी का नाम होता है जब हैरी मीट सेजल, और इस मूवी का जो बजट होता है वो होता है 90 करोड़, और 90 करोड़ लगाने के बावजूद ये मूवी पूरा इंडिया के अंदर कमाता है 64.33 करोड़ और वहीं पे वर्ल्ड वाइड कमाता है 153.43 करोड़, यानी कि ये एक टोटली फ्लॉप मूवी जाता है और ये मूवी जितना बजट होता है उसका उतना भी नहीं कमा पाता है इंडिया के अंदर। तो एक और मूवी शाहरुख खान का जो कि फ्लॉप मूवी गया इंडिया के अंदर। उसी के बाद 21 दिसंबर 2018 को इनका एक और मूवी आता है, मूवी का नाम होता है जीरो, और इस मूवी का बजट होता है 200 करोड़, 200 करोड़ लगाने के बावजूद भी ये इंडिया के अंदर बस कमाता है 90.28 करोड़, यानी कि 90.28 करोड़, यानी कि अपना बजट का आधा पैसा भी नहीं कमा पाता है ये इंडिया के अंदर। और वहीं पे वर्ल्ड वाइड यदि हम बात करें ये कमाता है 185.99 करोड़, यानी कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को भी हम ऐड कर दें तब भी यहाँ पे 200 करोड़ भी ये पार नहीं कर पाता है मूवी, जबकि मूवी ये सबसे ज्यादा बेस्ट अभी तक मुझे VFX के मामले में लगा है और अभी तक के स्टोरी के मामले में लगा है। तो ये मूवी भी टोटली डिजास्टर जाता है हमारे शाहरुख खान का। और उसी के बाद 25 जनवरी 2023 को इनका एक मूवी आता है, मूवी का नाम होता है पठान, जो कि इंडिया के अंदर कमाता है 543.05 करोड़ और वहीं पे वर्ल्ड वाइड कमाता है 1050 करोड़, जो कि बहुत ज्यादा है। और इतने कमाने के बावजूद भी इस मूवी पे ये एलिगेशन लग रहा है कि ये मूवी एक फ्लॉप मूवी था, फॉल्स यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाया जा रहा है, क्योंकि अभी से पीछे का मूवी जितना भी देखोगे शाहरुख खान का वो बहुत ही मुश्किल से पैसा कमा पा रहा है, लेकिन अचानक से पठान ने इतना पैसा कमाया है और ब्लॉकबस्टर एक मूवी दिया है तो सबको डाउट हो रहा है। लेकिन आपका क्या कहना है वो मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताओ। लेकिन एक हम टेक्निकली बात देखेंगे तो ये सेम एक्टर उस मूवी के अंदर भी है जो मूवी फ्लॉप गया है। तो यहाँ पे 2015 से लेके 2023 के बीच में यहाँ पे इन्होंने जितना भी मूवी दिया उसमें से 4 हिट पे 3 फ्लॉप दिया, जो कि बहुत ही गलत एवरेज चल रहा है, मतलब एक ही मूवी से आगे चल रहा है पठान से, बाद बाकी यहाँ पे बराबर हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे शाहरुख खान एक हिट एक्टर है या फ्लॉप एक्टर है मूवी के मामले में, आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताओ। और अगला आप किस एक्टर के ऊपर ये वीडियो चाहते हो ये भी मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।